डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज फिर से जा रहे हैं थलीसैंड ब्लॉक के एक और गांव में, गांव का नाम है रंडोला। तो अभी है हम थलीसैंड से, देखो ये रोड जाती है रंडोला के लिए, तो लगभग हम 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहां पे है थलीसैंड का डिग्री कॉलेज। तो देखो गांव के लिए रोड भी जा रही है, ये है रोड और ठीक गाँव के नीचे सामने दिख रहा है रंडोला गाँव, लेकिन हम जा रहे हैं आज पैदल और पैदल के लिए यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता निकलता है। देखो ये जाएंगे अभी नीचे, और बीच में पड़ती है नयार नदी, तो उसको क्रॉस करते हुए जाएंगे रंडोला गांव में। तो बुली लोग आना छे ना, कावड़ बुली कावड़ आना छो रंडोलो बटी कद करे के गांव भी मटी दूर है। आप हमेशा पैदल ही चल दो, ये पर ये गाड़ी मिल जांदी ओपड़े मिल जांदी हां बुकिंग करा ला। अच्छा तो कहां जाना छो? थलीसैंड है। चलो बढ़िया, लोग मिल गए थे और वो बता रखे भी गांव यहां से थोड़ा ही रह गया है और वो लोग जा रहे थे थलीसैंड की तरफ। और रास्ता देखो गांव के लिए कितने खूबसूरत जगह से होके गुजर रहा है, चारों तरफ जो है चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे देखो। और अभी पहुंच चुका हूं मैं नयार नदी के ठीक ऊपर, ये सामने दिख रही देखो नयार नदी। तो गाइस नया नदी क्रॉस कर ली है और नया नदी के ठीक ऊपर ये बना है लोहे का पुल। तो जी जो गांव की चढ़ाई है ना यहाँ से शुरू हो जाती है देखो नया नदी को क्रॉस करते ही, और यहाँ से जो गांव के खेत है ना वो भी शुरू हो जाते हैं देखो। और सबसे अच्छी बात थलीसैंड में ये लगी कि देखो कोई भी खेत आपको बंजर नहीं मिलेगा, यहाँ तक देखो लोगों ने खेती करी हुई है। और ये डिस्ट्रिक्ट में जो है थलीसैंड अकेला ऐसा ब्लॉक है जहाँ पर जो है पलायन भी बहुत कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो सब कुछ है भाई, खेती लोग कर रहे हैं, हर एक गांव में आपको प्राइमरी स्कूल मिलेगा, हर गांव में आपको जो है पक्की सड़क मिलेगी। और वो चीज़ें इसलिए है ना हर एक गांव में क्योंकि यहां के लोग जो है हर एक चीज़ के लिए आगे आते हैं भाई, यानी कि चाहे विकास कार्य हो या और भी कुछ मुद्दे हो उनके लिए जो है यहां के लोग एकजुटता से काम करते हैं। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं ग्राम रंडोला में, और देखो गांव के ठीक नीचे ये है पक्की रोड और पीछे आ रही है थलीसैंड से, सामने दिख रहा है थलीसैंड और उसके ऊपर वो है कैन्यूर गांव और इस साइड को कपरोली पड़ता है और इसका जो पड़ोसी गांव है आगे पड़ता है जखोला और मैरा। तो चलो फिलहाल चल रहे हैं गांव में। तो जी ताई जी आ रही है खेत से है ना, तो क्या बोली लैया? हाँ तो लैया लैण हो, काफी अच्छी खेती हूँ मतलब ना भाई और अच्छा तो बेटो काफी मैरम छ छ 2 साल है कद का हाल तब काक बटे जरा भी नहीं होनु तो अच्छा जरा भी नहीं तो सब लोग लगे होले इन खेती बाड़ी में बल लगे शिशो। हां चलो बढ़िया था काय बड़गो से तो आप हां छ छ कद मोक 30-32 वाला बहुत गाउन बसे छ अच्छे बड़ी विचार ये है। तो जी ताई जी का कहना है कि ये गांव जो है लगभग 60-70 परिवारों का है और आधे लोग जो है यहाँ से बाहर जा चुके हैं भाई। तो जी इस घर का डिजाइन देखो कितना प्यारा है भाई, और ये लगातार 2 घर हैं काफी बड़े बड़े। तो यहाँ पे बैठे हैं ताऊ जी। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार और बढ़िया बढ़िया साहब, क्यों हूँ गाँव में कुछ ना साहब आप बोलो बैठे हैं शॉप है बैठा कंच गाँव का हालत है ठीक है यहाँ पर लगे जी लोग अच्छा कद का लोग थी गाँव में? गाँव में जना 30-32 लोग जी शायद बस टोटल 30-32 लोग है मौस ही तो बाकी तो उन चल गए अच्छा बाकी तो गए बिल्कुल। तो इधर का बड़ा मकान बढ़िया अच्छा ना है तो ये पर कद का लोग तब ये भ्रम से 4 माह
चार महबत। देखो जी दो बड़े बड़े मकान है यहाँ पे, टोटल इस पे रह रहे हैं चार लोग हैं। चार लोग बिल्कुल, तो और लोग का जहाँ छी बस बाकी बड़ो लड़का सर्विस कर दे। हाँ छोटो छोटो भी उन रहने सी कौन लाई। बिल्कुल हम दुई हम जी। हाँ और एक लड़की से हमारी एक बुआ। हाँ और खेती बाड़ी तो बहुत ही अच्छा करी हुआ। खेती बाड़ी लगी जाए के क्या होंगे खेती में? खेती में सब कुछ होने लगभग, लेकिन आजकल जानवर नहीं रहेगा। एक विषय चीज जानवर जानवर लेकिन मिल इन दिया कि दूर दूर तक खेती छे भी मतलब कर रहे थे सब चीज ना, लेकिन जानवर नहीं रख दे कुछ ना। अच्छा तो जगल दस हुई थे जगल जी। हाँ वार्ड वगैरह कर दस कभी देखा जी? कभी नहीं देख दी कन हो यार, डेली दाना रहने वो कन भी क्या जब। अच्छा लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि भाई हम तुम रोला निर्वाज होगा वे दिन जोला। बिल्कुल वे दिन उन्होंने आने शाम के तीन बजे जाने सुबह देख के कनो रात भर तक रहने सके। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे हर एक गाँव में जो है खेती हो रही है, जानवर तो खैर है ही, लेकिन ये कि भाई कितना जो नुकसान करेंगे है ना। सही बात है, है ना। तो जन मतलब उत्तराखंड में पहले हर जगह होना खेती वो चीज अजी एक देखना कर मिनस मतलब एक हल्की सी कहां बेहतर अब चाहिए जबी बाकी नहीं। बिल्कुल लेकिन प्लान भी तो कमी हुई उसी साइड में। सही बात है ना, क्योंकि रोजगार भी तो लगन एक छे रोजगार भी क्या कुछ नहीं है आजकल तो कन करोगी लोग। अब ये तो नगर पंचायत बन गई हूँ की। अच्छी नगर पंचायत हम छे, हम नगर पंचायत मानी अभी कुछ तो छोनी जाकर। हां तो मतलब थली सणोलम छापी कैनूर रोलम कैनूर ग्राम सभा टोटल हम चार गांव ची शायद है ना, थैली साइन गांव है रंडोला और कैन्यूर। कैन्यूर तो जी भाई जी मिल गई। हाँ भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक ठाक है? बिल्कुल बढ़िया जी। तो आप गांव में ही रहो? बस आप बकर रखे जी। सच में? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप तो लगना नहीं सही लगना सकी बाहर बैठे यहां लगे। ना 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 बकर रखे छे बस इन चीज तरह खान पान पर ध्यान पड़े नहीं रहंदे। अच्छा कदा जीवन धरया छे? रखे छे 12 13 छे अभी। तो 12 13 में जन गुजरतो? हां धीरे धीरे लगया छे अभी चरनी छे जर्जरस करके। अच्छा तो कभी नौकरी पर नहीं गया? नौकरी चाहे करी अभी गया नहीं सीखा अभी। हाँ तो दैर दूरी मजदूरी करके जर्जरस कर मिल जाना है। मजाक तो नहीं करना सोना? ना ना मजाक बिल्कुल। चलो तो आप की बच्चे नहीं? बिल्कुल हाँ। अच्छा हेलो कर दे जरा, हेलो कर दे। हाय बोल। हेलो तो और क्यों होना सब गाँव में? बस कुछ नहीं होना चाहे गाँव में, अब आदमी भी नहीं रहे अच्छी। हाँ लोग पढ़े खातिर। हाँ और अच्छा पैसे कमाना चक्कर में बाहर प्लान करना चाहिए। हाँ जी अब जाते हम दो चार मोर रहे हैं बस घर में। अच्छा अब घर में जो ना पुंगड़ा बिकाने से हम लोग और बस गोर भैंस करना से चले जिंदे कटने जजर कर। तो आप कब सोच नहीं बाहर जाना? बाहर जाना कि इनसे क्या सरकार बदलने से मोदी जी भी करना से अब धीरे धीरे है ना। तो लेकिन थोड़ा बहुत रोजगार भी दे देना था ना? हाँ थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो युवा लोगों को क्या संदेश दे आप? युवा लोगों को हम ये चाहना चाहिए कि तुम पहाड़ आवा। हाँ और यख मेहनत कर अब सिकुंद भी तो हम लोग लगे अरे 18 20 20 22 22 घंटा काम करने पर ना। बिल्कुल यख हम अगर 12 घंटा भी काम कर लेते भी बहुत चीज कमाना कुछ। बिल्कुल तुम बकरा कर तुम दिहाड़ी मजदूरी कर श्याम वक्त अपने घर में अपने परिवार देख बैठ कर उठ के। बिल्कुल पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा आदमी कमे दिन पर परिवार देख बैठ के दुई रोट खाना बहुत बड़ी बात। आजकल लोग क्या होना चाहिए जन दो चार पैसा आने लोग फैमिली बैर वो कह देना सेफ्टी के हमारे बच्चों भविष्य हम लोग भी दिया बटी पहाड़। बिल्कुल है ना। पर आजकल क्या है लोग अपने बच्चों दली जाते बैर के थोड़ा अच्छी शिक्षा देना अपनी अच्छा थोड़ा प्रोग्रेस हर कोई चाहना पर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। था दीदी नमस्कार। नमस्कार बुला काय गांव से हैं? मैं छुरीखणी खाल ब्लॉग। ओ बाल रे बाल। बढ़िया बढ़िया। हां सब बढ़िया बुला मैं तदा भी अरुण चा। काका की? बाकुर लगे जाणो चा। ए बोई तो कब आर तो बाकुर मते। बाकुर दा बुला श्याम भगत 5 6 बजे जाना नैत भी दिया म छोटू। हां और वो एक भी टेंशन रहन भी था कि कबर जौलू कबर जौलू बकरा बेचारन बागतला रात जाणो से दौड़नो छियो ख्याल बात। हां तो दगड़ मोर करन दी दागड़ में कोरा ना केरा छु मी। अच्छा नाना दागड़ में तो छियो मेर बुआर बिच पर का भी दियाल का भी उंद ते ट्रेन ता पडन का बुढे छै जी। तो आजकल बुआर रे छै 2 4 दिन बुआर तो भेज दे जरा बकरू। अरे तो नाच छोड़ना तो काक भेजना। अच्छा अच्छा चलो नाच छोड़ जरा। तो दगड़ कदा छै गोमा? दगड़ के छै छी कत का बोलू 3 4 छै जे दगड़ा भी मेर बकरी पर अलग अलग हिसाब किताब रे ना मलने लुने का देना बकरा आपस में तय। आपका जो बोखटी जे मैरम छी शायद बेजान बड़ा छी वो है भी छी वो नखरा कर लड़ाई कर दी वो भी जा आपस में। अच्छा अच्छा और ता बुला गए लली जा पड़ो ता पर से टाइम पास हो जा। तो खा पे चल गेलो आप? बा खाए पे का चल कुछ धैर्य आलो फारो थाय लो जरे पाए बड़ी सा तो बकाड़ी भात बने जाई कनर से कड़ी बड़ी बड़ी बल्ली बनी छे वो मेथ दरी छे मेथ तड़का लगी चोर है धनिया दरी छे यो लाश तड़का लगी छे यो। हां घरिया लासन है? घरिया लासन है के खुशबू है। तो बुढ़ी नमस्कार। नमस्कार बाबा नमस्कार। और ठीक छौ? ठीक है हां ठीक। तो कद का उम्र से बुढ़ी आप के गई मिते अब मिते होगा और तुम्हारा इडा वो जो फूले छे उन्दर
तो कोई गीत वगैरह आंदे आप ते ना बाबा ठकरे नहीं गीत कुछ तो गांड लाप ओ ना कान गीत चलो बोल मेरे बारे में मगर दाहे ए चली चौला दगड़ो मेरे दगड़ो फूले या फालो दा आप लोग आप लोग मेरा बहन ये तो बोया हुआ है ना बोया हाँ दगड़िया कट जाला करना अब चल जाओला दगड़ियो दगड़ियो मो तू का लेना बोई ये जोड़ीदार बोया आलू गाय जी पन दगड़िया छाती को छड़ा को कच्ची बटी करना वाला लोडो तुम यारो बचा तो हमारो लाड़ा कुया बोए ए चलिया बो जब बाबा मिया अब हो गया जब तो मैं जान था तो बहु हाथ वाल गल के जान था हम बिन सर अच्छा तब ये कब का साल पुरानी बात थी पुराना गां छे तो पुराना ना गां ना तो पुराना छी लेकिन कद का साल बड़े नहीं जे साहब बिन सर कोती बाबा हम से जो गौ चाय चाय 50 साल और यहां देखो इस साइड को ये है गांव के जो गौशाले हैं और इसके ऊपर रखा है देखो ये पिरुल तो ये पिरुल जो है सर्दी में तो जानवर को जो है ठंड से बचाता है और अब है गर्मी का टाइम तो इस टाइम जो है ये बचाएगा गर्मी से। तो जी ये है गाँव के बीचों बीच में बिंदेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो गांव के इस साइड से तो हम आ गए हैं और अभी जा रहे हैं ऊपर की तरफ। मैं कोवा का रास्ता आइए मैं बैठे चल जा फोन है सीधा पुंगड़ पुंगड़ है हां और सीधा ये मेल पुंगड़ में चल जाए यहां पर है जो डाल देखो सीढ़ी गड़े है ठीक ठीक और मैं बैठे फोन है चल जाए यहां तो मैं तो रास्ता आइए रास्ता में जा ले था एको बार सीधा रास्ता थे हां पर सुन ला छे अच्छा ओको बार बैठ चल जाओ बाहर डालो बैठ के और रास्ता से पर ओको बैठ के ठीक है फोन चल जाए हां चलो ठीक है बुढ़िया अच्छा नमस्कार ठीक है नमस्कार। तो भाई अभी है हम रंडोला गांव के ठीक ऊपर और ये गांव जो है काफी ज्यादा फैला हुआ है तो हर एक घर में तो जाना मुश्किल है इसलिए जो है फिलहाल अब यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे की तरफ तो देखते हैं अगर कोई मिलता है तो ठीक है। और अब पहुंच गए हैं इस वाले घर में जी नमस्कार भात खेणो है तो कोई मेरे बयाचे को कुछ ना कर दो तू बस 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 चुप ए चुप हो जा तुम मार खा जा मेरे चुप बस दीदी बढ़िया अच्छा क्या मौसम है क्या बना रहा सब दीदी क्या बनी आज आज पुलाव हां कद का बना रहे वो जल दो जनों को दो नहीं चार जनों को ना तो चार जन अपन परिवार का बड़ी हो ना बोलते लेकिन हम दो जनों को बात है की कुला से अरे तो जी दीदी का तो पहले आज कुकुर बहुत खतरनाक दीदी तो के कर पहले छु ये तो उन पहले ही है ना बिजनेस करूं जा पके सही में तो कद का दिन दो आप एक ये तो 40000 है 40000 टोटल कद का पहले छु चार छी चार है तू कदा मैंने खा लियो ये तो 2 साल हो गए 2 साल है कद का साल बढ़ कर दो आप एक 4-5 साल है 4-5 साल है तो बिक जान दिया क्यों हां देर दिन बिक दिया देर दिन है तो खाली एक आप पालना चाहो सप्लाई बाहर किले की एक तो 40000 की तलाव मुश्किल है देर है ना इनकम तो चाहिए लोगों छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा भी चाहिए अच्छा तो वैरायटी कौन सी लैब्राडोर है। तो जी ये है देखो रंडोला गांव वहाँ कहीं से हम आए थे गांव के ठीक नीचे वहाँ पर है रोड तो वहाँ से ऐसे ऊपर आए थे और कुछ मकान देखो उस साइड पर है और गांव ऊपर तक है वहाँ कहीं तक तो टोटल इस गांव में जो है 60 से 70 मकान है भाई। चलिए जी अब जा रहे हैं हम रंडोला गांव से वापस और अब जाएंगे हम आगे जखोला गाँव की तरफ तो इसके बाद वाली वीडियो जो है जखोला गाँव की रहेगी। फिलहाल इस वीडियो को जो है यहीं तक रख रहे हैं।
कैसी लगी वीडियो शेयर कर देना वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।